मेरे भाई को साथ मारपीट करने लगे। फिर बोलता है मुझे क्यों रखता है, डैडी क्यों रखता है, अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, ये सब कहने लगे। तो वो फिर बिजली के पोल के पास में एक छरिया पड़ा हुआ था, वो लेकर आए और मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगे। पापा से मिलने के लिए आए थे 2-4 दिन के लिए, और उसमें भी उन्होंने झगड़ा कर दिया था मूछों को लेके। आप गांव में घूम लो, अभी भी 100 आदमियों के मूछे हमारे से बड़ी बड़ी है इतनी। हमारे तो हम लोगों को तो मूछों का शौक ही नहीं, हमने तो हमारे पुरखों ने बहुत रख ली थी, अब क्या है देख लो आप, मैं दिखाता हूँ आपको 100 आदमियों के और 100 युवाओं के अभी भी, और वो हमारे साथ, आप सारी एल्बम देखो, हमारे शादियों की देखो, उनकी देखो, कोई आपको कहीं फर्क लग जाए ना तो मैं, आप यहीं बैठो, आप बता देना, कोई फर्क नहीं। कुस्टंड है खाली हम लोगों को, हमारे गांव को और समाज को बदनाम करने के लिए। ये राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है, स्थानीय नेताओं का षड्यंत्र है, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, स्थानीय विधायक भी मिला हुआ है। ट्वेंटी-एट-ईयर-ओल्ड जितेंद्र मेघवाल, अ हेल्थ वर्कर बेस्ड इन बारवा विलेज ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, वॉज किल्ड अलेजेडली फॉर फ्लॉन्टिंग अ मुस्टैश, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ प्रिविलेज अमंग सेक्शंस ऑफ अपर कास्ट हियर। ऑन माई वे फ्रॉम डेली टू राजस्थान, द क्वेश्चन आई हैड वॉज वेदर समवन कैन बी किल्ड ओनली बिकॉज ही वॉन्टेड टू अडेप्ट अ सर्टन लाइफ स्टाइल, something which is considered to be exclusive among certain sections of society. Article 15 of the Constitution says, and I quote, "The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them." Clause 2 of the same Article 15 continues to say that any sort of segregation in terms of access to public places shall also not be allowed. And yet, caste-based discrimination is rampant across different parts of Rajasthan, something which continues to dictate life choices for those from the marginalized community. A musical montage of old photos of Jitendra Meghwal is among the recent tributes by his friends. On 15th March, 28-year-old Jitendra was stabbed by Surat Singh Rajpurohit, who is also a resident of the same village. Jitendra later succumbed to his injuries. Employed as a health worker at a government dispensary, Jitendra was known for his jovial nature. He aspired to get a job at AIIMS Jodhpur. He was the only one among his elder brother and sisters to have a social media account. His timeline is a reflection of growing aspiration among members of the Meghwal community, categorized as scheduled caste in Rajasthan. While Jitain's family doesn't have any land in the village, it was on the basis of education that Jitendra and his siblings were trying to climb up the social ladder. मारे तो मैं इस बार इच्छा है कि आप दोषियों ने सजा दो और वो बाहर नहीं आने चाहिए, या तो उन्हें फांसी होनी चाहिए। मैं उन्हें देखना नहीं चाहते, मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में, तो वो भी इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। आज तो मैं एक मार हो रही हूँ, कल उठ के और दूसरी माँ नहीं रोनी चाहिए, यही मेरी विनती है। और ये लोग बहुत ख़राब है, मैं बार बार आके धमकी भी देते हैं, हमें डर लगता है इन लोगों से। The feud between Jitendra and Suraj goes back to 2020 when the Meghwal family had filed an FIR for the first time. The complaint had mentioned Suraj using caste slurs and beating Jitendra. Since then, a cold war of sorts was ongoing, with Suraj allegedly issuing a threat via an Instagram reel. छोड़ेंगे नहीं, बुरा इतना लगा है बात का, और तोड़ेंगे तो ढंग से तोड़ेंगे, वरना फिर क्या फायदा वारदात का? तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। The Rajasthan police has categorically denied that the incident had anything to do with the mustache or Jitain's appearance. At Jitain's house, however, amid mourning, family members vehemently say it was all about mooch. मेरे भाई ऐसे मोबाइल चला रहा था तो सामने देख लिया, तो उन्होंने बोला सामने क्या देख रहा है कि नीच जाति का होके मेरे सामने देखता है, आंखें निकाल दूंगा तेरी, और क्या ये मतलब छुआछूत की गालियां दी, और फिर मेरे भाई को साथ मारपीट करने लगे। फिर बोलता है मुझे क्यों रखता है, डैडी क्यों रखता है, अच्छे कपड़े क्यों पहनता है,
ये सब कहने लगे। तो वो फिर बिजली के पोल के पास में एक छरिया पड़ा हुआ था, वो लेकर आए और मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगे। तो फिर मेरे भाई जान बचा के अंदर आ गया, तो अंदर आ गया तो वो भी दोनों अंदर आके मारपीट करने लगे। 2 साल के बाद में इन्होंने ये षड्यंत्र रस के मेरे भाई के जो ड्यूटी से आ रहा था हॉस्पिटल से बाली से घर पे, तो पीछे से हमला करके उनके धारदार हथियारों से हमला करके उसकी मार दिया। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मूंछ रखता था और उसको बहुत फ्लॉन्ट भी करता था। तो क्या वाकई में यहाँ पर राजपुरोहितों में ऐसा एक है भाव कि मेघवाल समुदाय के लड़के मूंछ नहीं रख सकते? ऐसा हुआ ऐसा तो फैक्ट है, मूंछों को लेके ही हुआ है ना ये। तो पहले नज़र से नज़र मिली तो बोला, गंदी गाली दी कि नज़र नीचे रख, नज़र कैसे मिला रहा है। फिर बोला मूंछे क्यों रख, यहाँ से पकड़ा भाई को और बोला कि तू मूंछे क्यों रखता है, कि दाढ़ी मूंछे क्यों रखता है। अंदर भी आए थे और गाली गलौच भी की थी और पत्थर भी मारे थे और घर और गाड़ी जलाने की धमकी देकर भी गए थे। औरतों के लिए भी अपशब्द बोले थे जो सुनने के लायक भी नहीं है, जो मैं बता भी नहीं सकती। अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि एक भाई होने के नाते वो क्या उनके सपने थे, आप लोगों के लिए वो कैसा भविष्य चाहते थे, क्या उनकी बात याद आती है आपको? भविष्य चाहते थे तभी तो हमें 10 दिन पहले उन्होंने उत्कर्ष कोचिंग ज्वाइन करवाई थी। मतलब हम जाना भी नहीं चाहते थे, सोचा कि अब इतनी पैसे भी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे। पर भाई ने ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं तुम पढ़ो और तुम जॉब लगोगी तो तब मेरा सपना पूरा होगा। उनका सपना था कि हम पढ़े और टीचर बने और आगे जाके उससे भी बड़ी ऑफिसर बने। Ironically, Jiten's father Deva Ram, who has been bedridden after a paralytic attack in 2014, is reading a biography of Ambedkar, the man who stood for annihilation of caste. The family was looking forward to Jiten's wedding in October this year. लोग समय हुए डरे हुए कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी आंदोलन किया है असामाजिक तत्व के लिए 30 तारीख को असामाजिक तत्व के लिए इन्होंने आंदोलन किया है जो, लेकिन उसके अंदर SC ST मुर्दाबाद का नारा लगाया इन्होंने। पहली बात तो ये SC ST का मुर्दाबाद नारा लगाया इन्होंने। The rally Jiten's friend was talking about was this congregation of Raj Purohits in Bali Tehsil of Pali district. Slogans such as Jai Shri Ram to quote SC ST Murdabad unquote were raised with members of 35 out of 36 com or castes invited here. The 36th caste group left out was the Meghwal community. At Barwa village, the ripple effect of this rally could be felt. The Raj Purohit community is incensed at what they feel is unnecessary politicization of the issue. बाकी इसमें कुछ नहीं था, ऐसे आपस में दोनों भी लड़े थे, उसके बारे में उन्होंने मुकदमा बनाया SC ST का। उसके बाद में उन्होंने माँ बाप जा करके उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया, पैसे हो गए, माफ़ी मंगवाई, इस्तीफा उन्होंने पैरों में रखा। उसके बाद में उन्होंने उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में उस वीडियो को उन्होंने वायरल किया। उसके बाद में उस बच्चों को ये लोग टॉर्चर करते रहे और उसके बाद में वो बच्चे थे, बच्चे ना समझी के अंदर आ करके उन्होंने साथ उन्होंने ऐसा कर दिया। ये आप लोगों का कहना है कि इसमें जाति का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं सर। लेकिन जो 2020 में भी केस फाइल किया था जितेंद्र ने, हाँ सर उसमें उसने ये कहा है कि सूरज ने उसको कुछ जाति सूचक शब्द नहीं सर वो तो भाई ये तो सब है, ये तो पूरे भारत में इस तरह से आजकल तो झूठे मुकदमे हो रहे हैं जाति संबंध में लेकर के, तो सीधे पास होकर के निकल जाते हैं फिर भी बोल देते हैं कि मेरे को वो बोल दिया और मुकदमे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद में ये लोग पैसे लेते हैं गवर्नमेंट से और उसके बाद में कंप्रोमाइज करते हैं उस आदमी से और उससे भी पैसे लेते हैं।
बात इनकी सिर्फ मामूली कहाँ सुनी से हुई है और उसमें इन्होंने इतना इस बात को बतड़ंग बना दिया, एससी एसटी का झूठा मुकदमा किया और उन बच्चों के माता पिता को इतने प्रताड़ित किया। रोज़ वीडियो कॉल करता था कि भाई ये देख तेरे बाप की मूछें ऐसी की, तेरे बाप को ऐसा झुकाया, देख तेरे माँ बाप को ऐसा झुकाया। अब कहाँ तक कोई भी व्यक्ति सहन करे, ये गलत है, मारना गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये दूसरा इसका पहलू भी लोगों को देखना चाहिए कि बात कहाँ हुई, जबकि ये दूसरे जो ये राजनीति वाले जो अपनी रोटियाँ सेकते हैं वो यहाँ आके कह के मूछों की लड़ाई, आप गाँव में घूम लो, अभी भी 100 आदमियों के मूछें हमारे से बड़ी बड़ी है इतनी, हमारे तो हम लोगों को तो मूछों का शौक ही नहीं, हमने तो हमारे पुरखों ने बहुत रख ली थी, अब क्या है। सोशल मीडिया हैज फर्दर ब्रॉडन द डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। यंगस्टर्स शेयर्ड व्हाट्सएप फोटोज इन व्हिच द अक्यूज्ड एंड हिज फ्रेंड्स हैड बीन मार्क्ड विद अ क्रॉस अलेजेडली बाय दोस फ्रॉम द मेघवाल कम्युनिटी। Suraj Raj Purohit's family doesn't live in the village, we were told, and so couldn't be contacted for a response. Far from the noise of protests, some members of the Raj Purohit community have been actively lobbying as well with the local BJP MLA, asking not to escalate the matter. मैंने आपका वीडियो कहीं नहीं देखा, लेकिन ऐसा लोगों ने बोला कि पुष्पेंद्र जी राज पुरोहित समाज को लुटकार रहे। वीडियो सबको पूरा सुनना। हाँ हाँ। और चाहे भी राज पुरोहित समाज की कोई नाम लिया हो तो मारना हो बता देना। और पुष्पेंद्र जी, मैं बीजेपी का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं वोट करने के लिए मुंबई से स्पेशल गाँव आके वोट करता हूँ। और आप हमारे पार्टी के विधायक हो, मेरा वोट भले ही आपके वहाँ नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कई रिश्तेदार है जो आपको वोट करते हैं। बिल्कुल। और आपको पता ही होगा राज पुरोहितों के वोट आपको काफी मिलते हैं और आपकी जीत होती है, आपकी जीत में हमारी खुशी है। अब आपको कैसे भी करके इस मैटर को रोकना पड़ेगा। आपको जिताने वाला कौन है? मेघवाल समाज आपको जिताते हैं? अरे इतने साल से आपको मेघवाल सपोर्ट का सपोर्ट मिला है आपका? आर्थिक सहायता देने के लिए? आर्थिक सहायता नहीं पुष्पेंद्र जी, आर्थिक सहायता नहीं, आपको जिताने में मेघवाल समाज का हाथ है क्या ये बताइए? आपको वोट मिलता है, एक वोट भी मिलता है मेघवाल समाज का आपका? आपने सोचा लोकसभा संसद में बोला, वो आपका फर्ज था, वो आपने बोला अच्छी बात है, उसके साथ वो बात अपने, परंतु आपने धरने के ऊपर जो बोला झोली फैला के आप खड़े थे वो गलत है सर जी, और आपको आने वाले समय में आपको ये भारी पड़ेगा। Is this voice yours in the audio that we hear? Yeah, this is my voice in the audio. If I may ask you, how many such calls you may have received from the members of the Raj Purohit community in the last 15 days after the incident? Approximately, them I must have had 4 to 5 calls, but then after that I stopped picking the phones. Was there pressure to go silent on this? There's no, actually, after that, again I spoke on the in the Vidhan Sabha on the 28th. I spoke this issue again, on this Jitendra Meghwal issue, I again spoke on the same issue. One such meeting of Raj Purohits was called upon by another local. मर्डर हो गया है तो पुष्पेंद्र सिंह जी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और समाज के सभी लोग एक पत्र बना के साइन करा करके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको भेजा जाए, उसको हराने की बात नहीं है, उसको टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। Speaking on the behalf of RSS, even they were very quite annoyed. In the neighboring village of Shiv Talab, we went looking for this RSS member who had threatened the BJP MLA previously. He has been associated with local RSS unit since the last 30 years and claims to have political influence. While locals refused to cooperate, we were finally able to track him. ये मेरे दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ कि ऐसा है। और वैसे आप कब से जुड़े हुए हैं शाखा से? मैं तो 30 साल से जुड़ा हूँ। और जैसे ये जो आपने कहा कि हम इनका टिकट कटवा देंगे,
तो मतलब क्या आपकी मंशा थी, क्या वाकई में आपको लगता है कि उस समय आप आरएसएस के बल पे ये कह रहे थे कि शायद इनको इस आगे आने वाले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा? देखिए आप, देखिए सुनिए, उसमें ऐसा है कि जब एमएलए का टिकट होता है तो उसका रिव्यू लिया जाता है। क्या रिव्यू आप कह रहे हैं? रिव्यू आता है कि भाई इस एमएलए को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया, कमेटी नक्की करते हैं और कमेटी फिर वो सर्वे करती है। तो जब सर्वे होता है तो हमारा गांव और बारवा गांव और जो आसपास के चार पांच गांव है सब रिप्रेजेंटेशन देंगे हम वहां जाकर के, और करके बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को टिकट नहीं देना है। मीनवाइल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इज येट टू स्पीक ऑन द इशू। Boards like these with Raj Purohitana written on top can no longer be seen in Barwa village. Soon after Jiten's death, these boards were damaged by an unidentified group. In a bid to shrug off its responsibility, the administration has now painted the name of the caste in white. Nandu was the admin of the Barji group, which was supposedly a social welfare outfit started by Raj Purohits. हमारे बारजी पूर्वज थे जिन्होंने इस बारवा को बसाया था, तो उनके नाम से हमने एक समाज सेवा के हिसाब से इस ग्रुप को बनाया था और ये लगभग 2016 में ये ग्रुप बनाए और अब तक इस गांव में करीब 50 लाख के काम तो करवा चुके हम और भी निरंतर कर रहे हैं। This one bigha land too has been a contentious issue since 1996. The Meghwals wanted to build a community center here, but the case is still stuck in court. Meanwhile, the Raj Purohits did manage to construct a hatai or plastered platform for themselves in 2005. इन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की होगी कि वे खेतेश्वर माया इनके जो खेतेश्वर महाराज थे उनका फोटो हमारे उसमें मंदिर में ला करके रख दिया था। ऐसे करके उनका कुछ झगड़ा चला, फिर काफ़ी हमारे समाज भी इकट्ठे हुई, उनके भी इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन भी पूरा यहीं लगाया हुआ था। आर ए सी लगी थी काफ़ी दिन, 5-6 महीने तक आर ए सी यहाँ बिठा कर रखे थे ताकि वो झगड़ा वगैरह इनका नहीं हो। और आज दिन तक वापस उसका वो केस 10-15 साल तक केस चला हो और फाइनल होने के बाद में उसको अभी तक वो ऐसे पड़ा हुआ हमारा। इन बारवा वेयर द एंट्री गेट वेलकम्स वन ऑन बिहाफ ऑफ द डोमिनेंट अपर कास्ट, इवन डेथ इज नॉट एन इक्वलाइजर एज ग्राउंड्स फॉर क्रिमेशन फॉर राज पुरोहित्स आर सेपरेट फ्रॉम द बेरियल साइट फॉर मेघवाल्स। सिमरिंग टेंशंस बिटवीन राज पुरोहित्स एंड मेघवाल्स गो बैक ईयर्स and Jiten's murder is a tragic testament to it. A life gone too soon due to the obsolete hierarchy called caste. We as a small team at News Laundry have been doing our best to bring you factual ground reports and podcasts and interviews to give you the best information possible at this point. It's more important than ever that you support us and that you help us fight the good fight.